मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का प्लस टू अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के उन न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे जो हिमाचल बोर्ड की वार्षिक परीक्षा मार्च 2020 में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम ए सीरीज से। तो ए सीरीज को क्वेश्चन नंबर 14 था, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द फ्लोइंग पर्टिकुलर्स। तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को तैयार करने के लिए कहा है और इस क्वेश्चन में आपको कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है। तो हमने जितने भी हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं उनको हमने डेबिट साइड में, और जो रेवेन्यू इनकम होती है उनको कहां बताएंगे हम, क्रेडिट साइड में हम बताएंगे, ठीक है। और जो कैपिटल नेचर के होंगे उनको हम क्या कर देंगे, इसमें एक्सक्लूड कर देंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाते हैं। तो ये फॉर्मेट बन गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। तो यहां पर डेट क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप इसको ब्लैंक रहने देंगे, और डेबिट साइड में हो गया आपका एक्सपेंडिचर अमाउंट और क्रेडिट साइड में हो गया इनकम एंड अमाउंट। तो सबसे पहले दिया है सैलरीज, तो हमने लिख दिया टू सैलरीज। सैलरी का अमाउंट दिया 16,000। नेक्स्ट दिया है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अमाउंट दिया 21,000। तो डेबिट साइड में ये सब हमारे रिवेन्यू पेमेंट है। फिर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है, तो ये दिए हुए हैं हमारे को 20,000 के, ये भी डेबिट साइड में आ जाएंगे। और इसके बाद फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये भी हमारा रिवेन्यू नेचर का है एक्सपेंडिचर। तो ये अमाउंट दिया है हमारे को 2000 का, तो 2000 भी हमने यहां पर लिख लिया। इसके बाद एंट्रेंस फीस है, तो एंट्रेंस फीस को हम रिवेन्यू जब ट्रीट करेंगे तो ये इनकम साइड में आएगा क्योंकि ये हमारी इनकम है, और कैपिटल ट्रीट करेंगे तो हम इसको इसमें एक्सक्लूड कर देंगे और ये क्योंकि बैलेंस में जाएगा तो हम नोट देते हैं, हम इसको कैपिटल रिसीट मान लेते हैं। तो हमने यहाँ लिख देंगे नीचे नोट, वर्किंग नोट जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, एंट्रेंस फीस ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट। तो हमने इसको एंट्रेंस फीस को कैपिटल रिसीट ट्रीट कर दिया, तो इसको कहां बताएंगे, बैलेंस शीट में फिर। और इसके बाद आपको दिया है सब्सक्रिप्शन इनकम दिया है, तो अभी इनकम चल पड़ी हमारे पास बाय सब्सक्रिप्शन। तो ये दी हुई है हमारे पास 1,56,000, 1,56,000 दी हुई है, ये हमने लिख ली। और इसके बाद हमारे को रेंटल इनकम है, तो ये भी हमारी इनकम है रिवेन्यू नेचर की, रेंटल इनकम। रेंटल इनकम हमारे को दी हुई है 40,000, तो 40,000 हम यहाँ पर लिख लेंगे इनकम साइड। इसके बाद हमारे को डेप्रिसिएशन दिया है, अब एक्सपेंसेस आ गया रिवेन्यू का, तो डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ये दिया है हमारे को कैलकुलेट करके 20,000 का। इसके बाद हमारे को लाइफ मेंबरशिप फीस दी है, तो ये भी आपकी कैपिटल शीट्स होती है, ये यहाँ नहीं आएगी। फिर डोनेशन रिसीव्ड दिया है, तो जो डोनेशन है ये स्पेसिफिक नहीं है, जनरल, इसको हम जनरल मानते हैं, तो जनरल मानेंगे तो ये इनकम साइड आएगा बाय डोनेशन रिसीव्ड। तो डोनेशन हमारे पास रिसीव दिया 10,000, तो 10,000 हम इसको यहाँ पर बता देंगे। डोनेशन के बाद हमारे पास मिसलेनियस रिसीट्स हैं, तो बाय रिसीट, तो ये दी हुई है हमारे पास 7,500 की। इसके बाद आपको एक्सपेंसेस दे दिए ऑफिस एक्सपेंसेस, तो ये यहां आ जाएंगे टू ऑफिस एक्सपेंसेस, तो ऑफिस एक्सपेंसेस दिए 3,200 की, तो 3,200 कर दिया ये हम। तो अब हम टोटल करते हैं, क्रेडिट साइड का ज्यादा टोटल है, तो 2,13,500 यहाँ भी हम कर देंगे 2,13,500। अब इस तरफ का टोटल करते हैं 1,31,300। तो ये हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ गया टू सरप्लस, बैलेंसिंग फिगर ये सरप्लस आ गया क्योंकि क्रेडिट साइड क्या है ज्यादा
कितने से ज्यादा है, 1,31,300 ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन से पहले अब आपने कहा ना, जैसे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, नोट। तो एंट्रेंस फीस ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट्स, और फिर आपका क्वेश्चन कोई गलत नहीं कर सकता। और अगर आप इसको रेवेन्यू जो है रिसीट ट्रीट करते हैं, तो इसको आपने क्रेडिट साइड में क्या करना था, बताना था। तो इसको आपने हमेशा जो है कैपिटल नेचर का ही क्या करो, उसको ट्रीट करो, इसको बैलेंस शीट में क्या करो बताओ। अब देखते हैं बी बी सीरीज का क्वेश्चन। तो बी सीरीज में है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें भी आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करने के लिए लिखा है, बिल्कुल सेम है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो सबसे पहले आपको दिया है फीस कलेक्टेड, तो इसमें सबसे पहले इनकम दी हुई है, ठीक है। तो ये आ गया बी सीरीज का, तो हमने लिख दिया यहां पर बाय फीस। तो फीस जो कलेक्टेड है वो आपको दी हुई है 4,80,000, और आपको विद इन फैक्ट लिखा हुआ है इंक्लूडिंग 80,000 ऑन अकाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। तो 80,000 पिछले साल की है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर होता है, ठीक है। तो उसमें हम अगले पिछले जो है माइनस कर देते हैं, तो पिछला हम क्या कर देंगे, लेस लेस प्रीवियस ईयर की फीस जो है, तो वो हमारे को दी है 80,000। तो 80,000 को हम क्या कर देंगे, लेस, और हमारे पास यहां पर आ गया 4,00,000। इसके बाद सैलरी दे दिए, अब एक्सपेंसेस आ गया, तो यहां पर लिखेंगे टू सैलरी पेड। तो सैलरी कितनी पेड हुई है, यहां दिया 2,80,000, और इसमें भी दिया है कि प्रीवियस ईयर की है 30,000, तो लेस कर देंगे हम प्रीवियस ईयर की सैलरी, क्योंकि इसको हम इसमें बताएंगे, इसमें सिर्फ ड्यूरिंग द ईयर के एक्सपेंसिज और इनकम आएगी। तो यहाँ आ गया हमारे पास 2,50,000। अब आगे, अच्छा इसके साथ साथ आउटस्टैंडिंग भी दिया है थर्ड पॉइंट में, तो हम यही लिखते हैं इसको पहले 2,50,000। अब आउटस्टैंडिंग दिया थर्ड पॉइंट में, आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड, जो इस साल की है, तो इस साल की तो ऐड कर देंगे हम आउटस्टैंडिंग एंड की। तो कितनी दी है, ये दी है 50,000, तो 50,000 को हमने ऐड कर दिया। अब हम बता देंगे आउटर कॉलम में 3,00,000। अब आगे दिया मीटिंग एक्सपेंसेस, तो ये भी आपके यही आ जाएंगे डेबिट साइड में, मतलब एक्सपेंडिचर साइड। मीटिंग एक्सपेंसेस दिए 15,000, 15,000 के मीटिंग एक्सपेंसेस। के बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिए हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिए 18,000 के, 18,000 के। इसके बाद आपको टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दिए हैं, टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग के बाद टूर्नामेंट के दिए हुए हैं 15,000 के, 15,000 के। टूर्नामेंट के बाद आपको परचेज ऑफ बुक है, तो ये आपकी पेमेंट है कैपिटल की, ये मतलब आपकी चल जाएगी एसेट्स में। रेंट पेड आ गया रिवेन्यू नेचर का, तो टू रेंट, रेंट जो आपने पेड किया कितना किया, 12,000 का, तो ये यहाँ आ जाएगा। और इसके बाद ये पोस्टेज एंड टेलीफोन चार्जेस, तो ये भी यहाँ आ जाएगा, टू पोस्टेज एंड टेलीफोन चार्जेस। तो ये टेलीफोन चार्जेस दिया 10,000 के। और इसके बाद आपको दिया है डोनेशन रिसीव्ड, तो इसके साथ भी कोई पर्पज नहीं लिखा है, तो हम इसको जनरल मानेंगे, तो जनरल को हम यहाँ बता देंगे बाय डोनेशन रिसीव्ड। तो डोनेशन हमारे को रिसीव्ड कितनी, 50,000 की, तो 50,000 बता देंगे यहाँ, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन, अब टोटल का करने के लिए, तो इसमें बन गया हमारे पास 4,50,000। टोटल करते हैं इस तरफ का, 0,0,0,10,18,20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 ,
ये आ गया हमारे पास बैलेंसिंग फिगर, तो ये सरप्लस आ गया कितना आ गया 80,000 रुपीज का आ गया।
तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट। बी सीरीज का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया जो मार्च 20 में आया है। अब हम करेंगे सी सीरीज का, इसको कर लेते हैं। तो जितने भी रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर और इनकम है वो यहाँ आते हैं, और कैपिटल नेचर के कहाँ जाते हैं, बैलेंस शीट में। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड, जो सी सीरीज को आया हुआ है। सी सीरीज में ये क्वेश्चन नंबर 14 ही है। तो आपको बोला हुआ है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ ए क्लब। तो इसमें आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दी हुई है, और इसके साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन भी दी है। तो एक आपको दी है इन्फॉर्मेशन सब्सक्रिप्शन की, एक डेप्रिसिएशन की, एक स्पोर्ट्स मटेरियल की, और आपको तैयार करने के लिए कहा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही तैयार करो। तो चलो हम ऐसा करेंगे, इसमें जो है सेल का भी है फर्नीचर का, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको पूरे करवा दूंगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साथ साथ आपको बैलेंस शीट में मैं इसकी बता देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हमारा दिया है, हमारे को दिया है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की रिसीट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये जो बैलेंस है ये आपका ओपनिंग है, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, और इसमें आपको डेट भी दी हुई है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की 31 दिसंबर 2018। तो सबसे पहले हमने 31 दिसंबर 2018 का ही हमने बनाना है, और बैलेंस शीट भी हमने बनानी है। तो एक 31 दिसंबर 2018 की बनेगी क्लोजिंग, और एक ओपनिंग बनेगी 31 दिसंबर 2017 लिख लो, या आप जो है 1 जनवरी 2018 लिख लो, एक ही बात होती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो ओपनिंग दिया है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। तो यहां हम लिख देंगे कैश बैलेंस। तो जितने आपके रिसीट पेमेंट है वहां वो सब एक जगह जाएंगे, और एडजस्टमेंटों के इफेक्ट टू साइड होते हैं। तो 25,750 हमने कर लिया। इसके बाद हमारे को दिया सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो हम यहां लिख देते हैं बाय सब्सक्रिप्शन। तो इंटरकॉल लिखते हैं, तो हमने लेनी है इस साल की 2018 की, हमारे को कितनी दी है 52,500, और एडजस्टमेंट में हमारे को दिया है सब्सक्रिप्शंस ऑफ 2,500 आउटस्टैंडिंग फॉर 2018, यह है इस साल की। तो हम इसको कर देंगे ऐड, ऐड हो गया आउटस्टैंडिंग 2018 की। तो ये अमाउंट दिया है आपको 2,500 एडजस्टमेंट में, तो टोटल करके हमारे पास आ गया ये 55,000 हमारे पास ये यहाँ पर ये आ गई सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो अब जो एडजस्टमेंट है उसके इफेक्ट टू साइड पड़ते हैं, तो अब इसको हम कहाँ बता देंगे, जो 2,500 है इसको, ये हमारी एसेट्स है, तो हम यहाँ बता देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2018 का, और कितना है 2,500, ठीक है। तो देखो कैसे कैसे आई, हम हमारे को जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया रिसीव, रिसीव कितनी हुई 52,500, और हमारे को दिया एडजस्टमेंट में कि 25 आउटस्टैंडिंग, तो हमने ये बता दिया। अब जो 2017 की है, जो हमारे को रिसीव हुई है 2018 में, वो कितनी हुई है 1,250। अब आपको एडजस्टमेंट में कुछ नहीं दिया है, तो इसका मतलब हमारी जो आउटस्टैंडिंग थी शुरू की वो इतनी ही थी, तो हम जो शुरू की है उसको शुरू की बैलेंस शीट में, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो यहाँ बता देंगे हम 1,250, ठीक है। और जो हमारे को 18 को मिली हुई है 19 की जो 18 में हमने रिसीव किया एडवांस, तो वो हमारे लिए लाइबिलिटीज है, तो हम यहाँ कर देंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर जो 2019 की हमारे को रिसीव हुई है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा है 750। तो हमने ये सब्सक्रिप्शन एडजस्टमेंट पूरी कर ली। इसके बाद दिया है आपको डोनेशंस फॉर बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के लिए आपको दान दिया है, तो जब तक आप खर्च नहीं करते तब तक आपके लिए क्या है लाइबिलिटीज, तो ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, तो हम यहां कर देंगे टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग। तो कितना अमाउंट दिया है 76,000, तो 76,000 हमने यहां कर दिया डोनेशन। इसके बाद आपको लिखा हुआ है एंट्रेंस फीस, तो हम नोट दे देंगे कि एंट्रेंस फीस को हमने क्या ट्रीट किया है कैपिटल, तो कैपिटल की है ट्रीट, तो उसको हम लायबिलिटी साइड में बताएंगे एंट्रेंस फीस। तो एंट्रेंस फीस दिया हुआ है 750, तो 750 हमने जो है यहाँ पर ये लिख लिया। इसके बाद ये है टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, तो चलो इसको हम जैसे जो है फर्नीचर के साथ एडजस्टमेंट के साथ करते हैं। अब हम आ जाते हैं पेमेंट साइड में, तो पेमेंट साइड में दिया है सैलरी, तो पहले पहले आ जाएंगे टू सैलरी, सैलरीज दिया है
कितने दिए हैं, 21,500। तो 21,500 ये हमारे को सैलरीज दी है। उसके बाद पोस्टेज है, तो टू पोस्टेज, पोस्टेज दी हुई है 1,950। इसके बाद रेंट दिया है, ये भी आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है रेंट, तो रेंट का दिया है 8,000। रेंट के बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो ये भी यही आ जाएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसका अमाउंट दिया हुआ है 3,800। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद फर्नीचर, अब आ गया फर्नीचर, तो फर्नीचर आपको दिया है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, तो हम यहां लिख देते हैं फर्नीचर जो दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दिया है 1 जनवरी 2018 को। तो कितनी वैल्यू दी हुई है हमारे को, दी है शुरू में थी वैल्यू 35,000। अब इसके साथ एडजस्टमेंट भी है, तो पहले हम एडजस्टमेंट को सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि डेप्रिशिएट फर्नीचर है 10%, तो हम कर देंगे लेस 10% डेप्रिशिएशन, क्योंकि पूरी साल यूज जो है 1 जनवरी हम 31 को बना रहे हैं, तो इसमें इसका 10% हो गया 3,500। तो 0, 0, 5 और 1, 31,500 हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई। और इस डेप्रिसिएशन को भी हम क्या करते हैं यहाँ बता देते हैं, तो टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 35,000 का 10%, तो कितना बन गया, ये बन गया 3,500। तो ये आ गया। अब इसके साथ साथ जो रिसीट साइड में बच गया था सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर दिया है यहाँ, तो जब ऐसा है तो हम उसको उसकी उसकी वैल्यू को कॉस्ट से क्या करते हैं, लेस टू लेस कर देंगे हम सेल, सेल ऑफ फर्नीचर, तो कितना है बेचा है 1,500 का, तो हमारे पास वैल्यू आ गई फर्नीचर की 30,000 रुपीज, इतना बचा हुआ है हमारे पास। फर्स्ट पहली को था हमारे पास 35,000, अब 30 बचा हुआ है इस साल, ठीक है। और अब हमारा ये भी हो गया फर्नीचर का हो गया। अब आपको दी हुई है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आपने की है एट द एंड में 31 दिसंबर 2018, तो इसमें कोई ब्याज नहीं मिलेगा आपको, तो हम यहां कर देते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितनी दी हुई है, 62,500 की आपको दी हुई है, तो हमने इसको यहां लिख दिया इन्वेस्टमेंट को। और इसके साथ साथ पोस्ट जो मटेरियल है वो दिया है आपको 10,000, और इसकी एडजस्टमेंट भी दी हुई है, स्पोर्ट्स मटेरियल इज वैल्यूड एट 9,000 ऑन 31 दिसंबर 2018, तो ये रह गया है अब 9,000, इसका मतलब 1,000 का इसमें क्या लग गया डेप्रिसिएशन, तो हम यहाँ कर देते हैं टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल, तो कितना लगा हुआ है, ये लगा है 10,000 में से कितना रहा 9,000, तो 1,000 का क्या लग गया डेप्रिसिएशन। और यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर बता देंगे जो स्पोर्ट्स मटेरियल है 10,000 में से 1,000 मतलब माइनस किया, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 9,000, जो हमारे को कैलकुलेट करके पहले ही कर दी गई है, दे दी गई है 9,000 की। और इसके साथ साथ जो है स्पोर्ट्स मटेरियल भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारे को दिया हुआ है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, तो ये रिवेन्यू के हैं, इसको यहाँ बता दिया, और कितने 3,500 के दिए हैं, 3,500 के दिए हैं। और इसके बाद बैलेंस दिया है कैरी डाउन, तो ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्या होता है कैश, तो इसको हम जैसे जो है क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे, यहाँ पर कैश का जो बैलेंस है ओपनिंग का, ओपनिंग बैलेंस में इसका क्लोजिंग में 12,250, तो 12,250 है ये, ठीक है। तो हमने सारे का सारा कर लिया, एडजस्टमेंट भी कर लिया, अब हमारे को रह गया टोटल करने के लिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं टोटल, तो यहाँ हो गया हमारे पास इसका हो गया 55,000, यहाँ देखते हैं 55,000 0 5 22 3 8 2 10 3 8 2 3 2 2 4, अब हमारे पास हो गया स्क्वायर रूट 0 10 में से 5 में 5 और
11,750 हमारे पास आ रहा है सरप्लस टू, सरप्लस ये आ गया हमारे पास बैलेंसिंग फिगर, और टोटल कर देते हैं हम इसका 55,000, 11,750 ये हमारा आ गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर कंप्लीट हो गया। अब हम निकालते हैं कैपिटल फंड 0, 5 और 5, 10, 7, 8, 9 और 1, 10, 5, 6 और 1 हो गया 7, 27,000 ये आ गया कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर। यहाँ पर हमारे पास बन गया ये 27,000 का। अब हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है, तो यहाँ से ओपनिंग बैलेंस शीट से आ जाएगा कैपिटल फंड। कैपिटल फंड हमारे पास दिया है 27,000 और हम ऐड कर देंगे सरप्लस निकला तो ऐड, शॉर्टेज निकले होते तो लेस, तो हमने सरप्लस निकला तो ऐड कर देंगे हम सरप्लस, कितना है 11,750 0, 5, 7, 7 और 1, 8, 2 और 1, 3 टोटल करते हैं 0, 5, 3, 15, 7, 3, 21, 22, 8, 2, 10 और 6, 16, 7, 3, 10 और 1, 11, 1,16,250 0, 5, 5, 10, 2, 12, 1, 9, 10, 2, 12, 14, 2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 250। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमने यूनिट फर्स्ट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट कर ली। थैंक यू।